एवरा तने सस्ता भी लगा मार देलिए तू बोत दूर हो जाओ करा से। हाँ जी तो का हाल है? ठीक है, देखो भैया कहा है कि पिछले 3-4 दिनों से मेरे फेसबुक पोस्ट और यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में एक कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि है बोल राधा बोल फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करो। बट आपको तो पता ही है कि मैं फुटकर विक्रेता नहीं हूँ, मैं होलसेल विक्रेता हूँ, और मुझे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरे भरोसे पर खरे उतरेंगे। फिल्म आए या ना आए, ट्रेलर जरूर आएगा। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में 2-3 फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहला जो ट्रेलर है वो खेसारी लाल यादव की बोल राधा बोल, और दूसरा है प्रदीप पांडे चिंटू की जीना तेरी गली में, और दिनेश लाल यादव की आर्मी। ये तीनों ही ट्रेलर पिछले एक हफ्ते के अंदर आए हैं। वैसे ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ही दिन में 3-3 ट्रेलर रिलीज कर देते हैं, आर्मी चौथा है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भैया साल भर में 18-18 फिल्में करते हैं ये लोग, तो 4-4 फिल्मों के ट्रेलर आना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। बात तो सही है। खैर, तो सबसे पहले हम जिस फिल्म के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बोल राधा बोल। धरती के प्रिंस पधार रहे हैं। अब देखो, इस फिल्म में हीरोइन का जो नाम है वो है राधा, और हीरो का जो नाम है वो है किशन। ये सब देख करके इस फिल्म से थोड़ी सी धार्मिक वाली फिल्म की फीलिंग आ रही है। तो कायदे से अगर देखें तो इस फिल्म में एक गाय भी होनी चाहिए, क्योंकि किशन है तो गाय तो होनी ही चाहिए। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे कि भोजपुरी फिल्म का बजट बहुत कम होता है, इसीलिए इस फिल्म का भी बजट कम होने के कारण ये लोग गाय की जगह बकरी लेकर आए हैं। अरे, इस फिल्म का बजट तो इतना कम था कि बकरी के साउंड इफेक्ट के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, हीरोइन से ही बकरी की आवाज़ बुलवाई गई है। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, सच में फिल्म के डायरेक्टर से ही पूछ लो, बताइए पाटिल साहब। बिल्कुल, हम लोगों को यानी साउंड इफेक्ट्स के लिए और डबिंग के लिए रियल बकरी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्हीं के वॉइस से चला लिया सब कुछ मैं। अच्छा बात नहीं है। इस फिल्म में अच्छी बात यह है कि जिस काम के लिए ये लोग माहिर हैं उस पर अच्छा काम किया गया है, यानी कि फिल्म में गाना बढ़िया बढ़िया है। दूसरी बात, इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के लुक पर बढ़िया काम किया गया है, और खेसारी लाल ने एक्टिंग भी ठीक ठाक ही की है। सस्ता भी लगा मारा धनिया तू बोता। और इसकी वजह भी यही है कि भोजपुरी फिल्म में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ज़्यादातर पैसे एक ही इंसान पे खर्च कर दिए जाते हैं, जो कि फिल्म का मुख्य रोल होता है, उसकी फीस हाई होती है, उसको स्वैग, उसका स्वैग दिखाने में पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए जाते हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो जो सपोर्टिंग रोल होते हैं उसके लिए पैसे बचते नहीं हैं, तो किसी को भी सड़क से पकड़ के काम करा दिया जाते हैं, और ऐसा फिल्मों में देखने को भी मिलता है। बहुत सारी फिल्मों में मैंने देखा है बहुत सारे सपोर्टिंग रोल ऐसे हैं जिनको बोलने नहीं आ रहा है, उससे भी जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है ना कि आप सोशल मीडिया ही खोल करके देख लो, चाहे फिल्म में कितने भी सैकड़ों लोगों ने काम किया हो, बट उस फिल्म को सिर्फ एक ही बंदे के नाम से जाना जाता है। खेसारी लाल की फिल्म है खेसारी लाल, बाकी लोग को उन्हें तेल लेने जाए। निरहुआ की फिल्म है निरहुआ, बाकी लोग को उन्हें तेल लेने जाओ। पवन सिंह की फिल्म है पवन सिंह, बाकी लोग तेल लेने जाओ। और शायद इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टर या निर्माता होते हैं वो लोग सोचते हैं कि भाई क्यों इतना पैसा खर्च करना है, एक ही बंदे के ऊपर सारे पैसे खर्च कर दो, एक ही बंदे को देखना है तो। और भोजपुरी का गर्क में जाने का ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा बात नहीं है। खैर, तो अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो वही है लव स्टोरी। हाँ, इस बार नया ये है कि इस बार प्रेम जो है वो बकरी से हो रहा है, क्योंकि इस बार आप अपने सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को बकरी के साथ रोमांस करते देखेंगे, बकरी के साथ शादी करते हुए देखेंगे, और
बकरी जब उनकी पत्नी बन जाती है तो समाज से किस तरीके से अपनी पत्नी को बचाते हैं। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर तो इस फिल्म को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। इसीलिए खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इस दिवाली पूरे उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर रिलीज किया जा रहा है, पूरे के पूरे एक सिनेमा हॉल में। बाकी बिहार वालों को ये फिल्म छठ के शुभ अवसर पर देखने को मिलेगा। खैर तो हमारी इस लिस्ट में जो अगली फिल्म है वो है प्रदीप पांडे चिंटू की। हाँ, पिछले हफ्ते भी इनका एक ट्रेलर आया था, हो सकता है अगले हफ्ते एक ट्रेलर और आ जाए, उसके एक हफ्ते के बाद एक ट्रेलर और आए, उसके एक हफ्ते के बाद एक ट्रेलर और आए, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इनकी फिल्मों में कितना मेहनत किया जाता है। एक फिल्म बनाने के लिए पूरे के पूरे एक हफ्ते लगते हैं। खैर तो इस फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में 2। अभी तक इस दुनिया में ऐसा कोनो मर्द पैदा नहीं के भाई जिकरे साथ हम शादी कर सके। साढ़ से करोगी? यूपी की गली गली में 20-25 साढ़ मिल जाएंगे। कहो तो योगी जी से बात करके रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं। नहीं, मुझे तो लगा था कि इनकी सिर्फ फिल्मों की कहानियों में ही कोई लॉजिक नहीं होते हैं, यहाँ तो डायलॉग भी पेट्रोल सूंघ के लिखे जा रहे हैं। अभी तक दुनिया में ऐसा कौनो मर्द पैदा ना भइल। कैसन मर्द चाहिए मैडम? ये वाला नहीं ना चाहिए, वो भी है। तू नहीं, एक बार इनकी डायलॉग डिलीवरी भी देखो, वो दूसरी क्लास का बच्चा किताब हाथ में लेके पढ़ता है ना कि एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, वहाँ उसे एक गधा मिला। गधे ने राजा की तरफ देखा और कहा कि तुम तो बहुत बड़े गधे हो, लोटा लेकर कौन शिकार करने के लिए आता है भाई? फिर राजा ने कहा, मूर्ख, मैं तो लोटा लेकर हगने आया हूँ। ऐसी तो इनकी डायलॉग डिलीवरी है। अच्छा बात नहीं है। खैर तो अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो वो कुछ यूं है। ये कहानी है एगो दबंग विधायिका बहन जी के। हाँ, जिनको एक लड़के से प्यार हो जाता है और बस फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। अरे तेरी, शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बाकी ठरकी लोगों के लिए इस फिल्म में बहुत कुछ है, उनसे मैं यही कहूंगा ये फिल्म जब भी देखने जाना तो डबल चड्डी पहन के जाना, क्योंकि लीकेज होने का खतरा है, क्योंकि इस फिल्म में अश्लीलता भर भर के पेली गई है। बाकी 1999 वाला साउथ इंडियन फिल्मों के जैसा ग्रेविटी की मैया पोतने वाला एक्शन भी इसमें खूब है। बाकी ये फिल्म कब रिलीज होगी घंटा किसी को पता नहीं है, तो अगर आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं तो अपना अपना पकड़ के इंतज़ार कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले फिल्म के ट्रेलर की तरफ। तो हमारी इस लिस्ट में जो अगली फिल्म है वो है दिनेश लाल यादव की। पिछले हफ्ते भी इनकी एक फिल्म आई थी ना, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन आई थी, वो भी एक ही दिन। वाह, सच में तगड़े तरीके से काम हो रहा है भाई, वो भी सिर्फ ट्रेलर पर। फिल्म कब आती है, कहाँ रिलीज होती है, ये तो घंटा किसी को पता नहीं है, बट ट्रेलर आता है। अब तो बस रोज़ एक ट्रेलर का इंतज़ार है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आज हम जिस ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है आर्मी। देश के लोगों की खुशी के लिए जो अपनी खुशी त्याग दे, ऐसा दम एक आर्मी में नहीं रखता। पहली बात ये कि इस फिल्म का नाम आर्मी क्यों रखा गया है पता नहीं, क्योंकि इस फिल्म में आर्मी वाली कोई बात नहीं है। ये पूरी फिल्म सिर्फ एक फैमिली के ऊपर दर्शाया गया है जिस फैमिली का एक बच्चा किडनैप हो जाता है और उस बच्चे को ढूंढने के लिए पूरी आर्मी की फौज लगी है। कुछ समझ में आ रहा है? मुझको भी समझ में नहीं आया। थोड़ा पढ़ लिख लेते तो पता चलता कि ये काम पुलिस का है, आर्मी का नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म अच्छी नहीं है,
वो दो टके की टुच्ची सी लव स्टोरी वाली फिल्मों से तो ये बहुत अच्छी है। फिल्म की कहानी, कॉन्सेप्ट और ऊपर से ये निरहुआ की जोरदार एक्टिंग। अब तो तोरा के गोली ही मारेगा पड़ी। गोली मारे खातिर पहले बंदूक पकड़े सीखे के पड़ेला साले जोकर। सब कुछ एकदम माइंड ब्लोइंग, सब कुछ ठीक है। बस इस फिल्म का नाम आर्मी शायद इसलिए रखा गया है कि हमारे देश के लोगों का आर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम है। आर्मी का नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। शायद उनकी इसी भावना को कैश कराने के लिए इस फिल्म का नाम आर्मी रखा गया है। बाकी इस फिल्म में आर्मी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्मी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए एक बड़े बजट की ज़रूरत होती है। आर्मी की एक पूरी फौज तैयार करनी पड़ती है, दुश्मन देश की भी एक पूरी फौज तैयार करनी पड़ती है, अपना देश दिखाना पड़ता है, दुश्मन देश को भी दिखाना पड़ता है, उसके बाद सरकारी फरमान दिखाने पड़ते हैं, आर्मी की अपनी क्या नीति है उसे भी दिखाना पड़ता है, उसके अलावा गोला बारूद टैंक हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान इस सब चीज़ों में एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत पड़ेगी। वो होगा प्रॉपर आर्मी के ऊपर बनी हुई फिल्म। अब यहाँ एक परिवार का एक बच्ची खो गई, उसको पूरा आर्मी मिलकर ढूंढ रही है, फिल्म का नाम आर्मी रख दो। हद है यार, उसके लिए तो पुलिस के सिर्फ दो कांस्टेबल ही काफ़ी हैं, आर्मी की क्या ज़रूरत है। खैर, तो भोजपुरी के लिहाज से अगर देखा जाए, वो लव स्टोरी के बाद अगर कोई थोड़ा सा लव स्टोरी से अलग फिल्म बनाता है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिल्म अच्छी है। और इस फिल्म में हीरो की पहले से ही शादी हो चुकी है, एक बच्चा है, तो लव स्टोरी तो शायद कम ही होगी। बाकी एक्चुअल कहानी क्या है और इसमें कितना दम है वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भोजपुरी की जो परंपरा है लव स्टोरी वाली, उससे हट के अगर कोई फिल्म बनाता है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई पब्लिक पूरा इरिटेट हो चुकी है इनकी लव स्टोरी वाली फिल्मों से। फिर भी पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाहते क्या हैं ये लोग। शायद इनके मन में ये चल रहा होगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो अभी भी थोड़ी बहुत बची है, उसे भी पूरा डुबा लेंगे, उसके बाद चैन की सांस लेंगे ये लोग, ठीक है। तो बाकी आपने भी ये तीनों फिल्मों का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, और पसंद नहीं आया तो भी करना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।